आज की जो डोसे की रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल होने वाली है और इसके साथ हम बनाएंगे स्वादिष्ट नारियल की चटनी और साथ ही होगा मसालेदार आलू का चोखा और चटपटा सांबर। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे 1 कप नारियल का बूरा और साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली, 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना लेकिन छिलका हटाकर। अब ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून इमली का सॉस। सॉस डालने के बाद हमें इसमें डालना है 2 हरी मिर्च और आधा कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम सारी चीजों को खूब अच्छे से पीस लेंगे और ये देखिए मैंने एक बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। मिक्सी में थोड़ा मसाला लगा हुआ था तो हल्का सा पानी डालकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को, लेकिन अब ये बिल्कुल रेडी नहीं है, इसमें हम लगाएंगे छौंका। तो छौंके के लिए मैंने ले लिया है बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दिया है 1 टीस्पून सरसों के दाने, 1/4 टीस्पून हींग, 2 साबुत सूखी लाल मिर्च और 10 से 15 करी पत्ते। और अब बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाते हुए हम सारी चीजों को अच्छे से पका लेंगे और पकाने के बाद लगा देंगे छौंका। अब छौंका लगाने के बाद हम नारियल की चटनी को और सारे मसालों को खूब अच्छे से मिला लेंगे। आप अगर चाहे तो ताजा नारियल भी पीसकर यूज कर सकते हैं चटनी के लिए। और ये देखिए सारी चीजें हमने मिला ली है और बहुत ही टेस्टी नारियल की चटनी बनके रेडी हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप है सांबर। तो अब हम सांबर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ली है 1/2 कप उड़द की दाल, खूब अच्छे से धो ली है और 1 घंटा भिगोने के बाद मैंने दाल बॉईल करके साइड में रख दी है और ये देखिए बॉईल्ड दाल रेडी है। अब हम लगाएंगे छौंका। तो पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून सरसों के दाने और 2 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च। थोड़ा सा पका लेंगे। मेथी दाना और सरसों दाना चटकने के बाद ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालने के बाद इसमें डालना है हमें करी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 करी पत्ते ले लिए हैं और इसके बाद मसाला थोड़ा सा पका लेने के बाद हमें ऐड करना है प्याज। तो 1 मीडियम प्याज कटा हुआ मैंने लिया है और प्याज थोड़ा सा पका लेंगे और हल्का सा लाल होने के बाद ऐड कर देंगे 1 मीडियम कटा हुआ टमाटर। तो देखिए टमाटर हमने डाल दिया है, अब थोड़ी देर पका लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक इसमें जाएगा स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद अच्छे से सारी चीजों को मिलाने के बाद टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने के बाद ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें अब जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा सांबर मसाला। तो सांबर मसाला हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि सांबर में थोड़ा सा ज्यादा सांबर मसाला डालना होता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून सांबर मसाला। अब सांबर मसाला डालने के बाद हम सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और ये देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें कटी हुई सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैंने ली है 1 मीडियम आलू, 1 डंडी सहजन की, 1/2 गाजर, थोड़ा सा कटा हुआ कद्दू, 1 बिल्कुल छोटा या आधा बैंगन। अच्छे से सारी सब्जियों को मिला लेंगे मसालों के साथ और मिलाने के बाद ऐड करेंगे 1 कप पानी। तो ये देखिए सब्जियां अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गई है और ये गया इसके अंदर 1 कप पानी।
पानी ऐड करने के बाद हमें सब्जियों को अच्छे से पकाना है, तो मैं अब पैन चेंज कर दूंगी और सब्जियों को मैंने ट्रांसफर कर दिया है कुकर में। आप चाहे तो शुरू से ही ये कुकर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए बॉईल की हुई दाल मैंने ऐड कर दी है सब्जियों में, और अच्छे से मिलाने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगाकर सब्जियां पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो दाल हमारी पहले से ही बॉईल हो रखी थी, तो सब्जियों के लिए हमें 2 सीटी लगानी है। 2 सीटी काफी है सब्जियां पकाने के लिए। और ये देखिए 2 सीटी के बाद कुकर ठंडा होने के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। अब ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून इमली का पानी। आप चाहे तो इमली का सॉस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉस अगर यूज करेंगे तो उसमें गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमली का सॉस वैसे ही खट्टा मीठा होता है। तो मैंने इमली का 3 टेबलस्पून पानी यूज किया है और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी ऐड कर दिया है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है और एक बॉइल आने के बाद ये देखिए मैंने सांभर एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है और ये चटपटा सांभर बनके हमारा रेडी हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं आलू का चोखा। तो इसके लिए 4 आलू बॉईल करने के बाद मैंने छिलकर रख लिया है। और चलिए अब चोखा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पैन में ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा चटकने के बाद ऐड करना है 1/4 टीस्पून हींग, और हींग डालने के बाद ऐड करेंगे दाल। तो इसमें 1 टेबलस्पून तूर की दाल ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून उड़द की दाल। दोनों दालों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब दाल पकाएंगे कम से कम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और दाल जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे इसमें ऐड करना है मूंगफली। तो हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मूंगफली। तो यहाँ पर मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है और इसके बाद डाल देंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च, 2 साबुत सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हल्का सा सारी चीजों को पका लेंगे और पकाने के बाद इसमें डालना है प्याज। तो यहाँ पर मैं लूंगी 1 मीडियम कटा हुआ प्याज। अब प्याज डालने के बाद हमें प्याज को भी थोड़ी देर के लिए पका लेना है और हल्का सा लाल होने के बाद ऐड कर देंगे करी पत्ता। तो मैं यहाँ कम से कम 10 से 15 करी पत्ता यूज करूँगी। और इसके बाद हमें थोड़ा सा पका लेना है सारी चीज़ों को और फिर ऐड कर देना है अमचूर पाउडर। तो बिल्कुल थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर का हम यूज करेंगे। और इसके बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इस सारे प्रोसेस में आपको गैस की फ्लेम लो रखनी है, आंच गैस की धीमी रखनी है और फिर ऐड कर देंगे 1 मीडियम कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद हमें इसमें नमक डालना है। तो ध्यान में रखें हमने अमचूर पाउडर भी डाला है और अमचूर पाउडर नमकीन होता है, तो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, स्वाद अनुसार आपको नमक डालना है। इसके बाद पैन का ढक्कन लगाकर हमें पकाना है कम से कम 1 मिनट के लिए। आप चाहे तो 1/2 कप पानी भी डाल सकते हैं और पानी थोड़ा सा सूखने के बाद हमें आलू डालना है। देखिए आलू यहाँ पर हम रफली मैश करके ही डालेंगे, बिल्कुल चटनी नहीं बनानी है आपको। लीजिए सारे आलू मैंने रफली मैश करके डाल दिए हैं। अब अच्छे से मसालों के साथ आलू को मिला लेंगे और इसके बाद अब क्या करना है, अब पैन का ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा सा आलू हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट के बाद पैन का ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए आलू का चोखा बनके रेडी हो गया है। अब ट्रांसफर कर लेंगे सर्विंग बॉल में और आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार मसालेदार आलू का चोखा बनके रेडी हुआ है। तो देखिए हमने नारियल की चटनी, आलू का चोखा और सांभर बनाकर रेडी कर लिया है। अब फाइनली डोसा बनाएंगे। तो इसके लिए एक बॉल में ले लेंगे 1/2 कप सूजी, 1/2 कप चावल का आटा,
1/4 कप बेसन और साथ ही ऐड कर देंगे 10 से 12 बारीक कटे हुए करी पत्ते, एक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून दही और अगर दही खट्टी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 1 कप पानी डालकर सारी चीजों को खूब अच्छे से मिला लेंगे और बॉल का ढक्कन लगाकर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी को जितना भी पानी सोक करना है वो सोक कर ले और सूजी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब ये देखिए सारी चीजें अच्छे से मिलाने के बाद बॉल का ढक्कन लगा देंगे और चलिए अब 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। और ये देखिए 10 मिनट के बाद सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और जितना भी पानी एब्जॉर्व होना था सूजी में वो हो चुका है। अब इसमें खूब सारा पानी हम डालेंगे। इसका बैटर बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है जैसे कि छाछ होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका बैटर बनाना है, बहुत ही पतला। अगर आपको लगे कि आपके डोसे अच्छे नहीं बन रहे हैं या घोल थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए डोसा का बैटर बनके हो गया है रेडी। अब चलिए हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और साफ कपड़े से पोंछ देंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी है। अब छोटा सा प्याज काट कर पैन के ऊपर घिस देंगे ताकि डोसा पैन के ऊपर चिपके ना। अब बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैन के ऊपर धीरे धीरे करके फैलाते जाएंगे और जो भी ये बीच बीच में गड्ढे बन रहे हैं उसे भी भरते जाएंगे। अब क्या करना है, पैन को चारों तरफ बीच बीच में घुमा लेना है ताकि डोसा चारों तरफ से अच्छे से पक जाए, क्योंकि सूजी का डोसा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऊपर वाला पार्ट ड्राई होते जाएगा, सूखते जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और ऑयल स्प्रेड करने के बाद हम डोसे को दूसरी साइड पलट देंगे और दूसरी साइड भी थोड़ा सा पका लेंगे। और ये देखिए क्रिस्पी डोसा बनके हो गया है रेडी। अब इसी तरीके से हम बाकी डोसा बनाएंगे। सूजी का डोसा बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना है और वो है कि इसका बैटर बिल्कुल पतला होना चाहिए, गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है। जब भी बैटर आप पैन के ऊपर डालें तब अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से बैटर को मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद आपको पैन के ऊपर डालना है, नहीं तो क्या होता है कि पानी ऊपर आ जाएगा और सूजी नीचे सेटल हो जाती है। तो इसीलिए अच्छे से बैटर को मिक्स करने के बाद ही आप पैन के ऊपर डालें। और हर बार डोसा बनाने के बाद पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर साफ कपड़े से पोंछते जाना है और बैटर को हम किनारों से स्प्रेड करते हुए बीच में स्प्रेड करेंगे और जो भी गड्ढे बनेंगे उसे भी थोड़ा थोड़ा भरते जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी और आगे आप जब भी डोसा, सांबर, आलू का चोखा या नारियल की चटनी बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। देखिए रवा डोसा बनाना बहुत ही आसान है और अगर आप जल्दी में भी होते हैं तो ये डोसा जल्दी से झटपट बना के आप रेडी कर सकते हैं। बस नारियल की चटनी आप जब भी बनाते हैं थोड़ी सी ज़्यादा बना लें और आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 1 हफ्ते के लिए। और डोसा सिर्फ नारियल की चटनी के साथ खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और ये आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए या अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए भी झटपट बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है रवा डोसा बनाना। तो आज की चारों रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मेरे चैनल कनेक्ट विद रेन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो कनेक्ट विद रेन को फॉलो कर ले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और लीजिए मज़ा गरम गरम क्रिस्पी डोसे का। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। बाय बाय।